बुलेट प्रूफ जैकेट आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली सा दिखने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट में ऐसा क्या होता है जो इतनी स्पीड से आती बुलेट को रोक देता है और इसे पहने व्यक्ति को बुलेट नहीं लगती। शुरुआत के समय में घायल होने से बचने के लिए जानवरों की मोटी चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर मनुष्य लकड़ी और धातु से बने कवच का इस्तेमाल करने लगा। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में हुआ। उस समय कई धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। यह कवच बहुत भारी होता था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लैग जैकेट का आविष्कार हुआ। इसमें बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक हथियार आने के बाद फिर केवलार फाइबर के उपयोग से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। यह एक तरह का प्लास्टिक होता है। इसके धागे से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।